दोस्तों, अन्ना ग्लो किचन में आपका स्वागत है। आज हम गवार की सादी सब्जी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने गवार को इतने पीस में काट के रखा है और ये 5 कली लहसुन लिया है। लहसुन को हम इसमें कस लेंगे और अब मैं इसमें 3 पावड़ा तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे गवार की सब्जी में अजवाइन का वघार करना होता है, इसलिए राई की जगह आज हम अजवाइन और हींग डालेंगे। दोस्तों, ऑयल गर्म हो गया है, मैं उसमें अजवाइन की सीड डाल रही हूँ। अजवाइन के बाद हम हींग डालेंगे। मैं हल्दी डाल रही हूँ। अब पिसा हुआ हमने जो कूट के रखा है वो लहसुन डालेंगे 5 कली। दोस्तों, मैंने ग्रीन चिली को काट के रखा है, वो 1 चम्मच डालेंगे। अब गवार डालेंगे। मैंने गवार डाला, अब उसमें धनिया पाउडर 2 चम्मच डालेंगे। हमारे घर में धनिया पाउडर हर एक सब्जी में ज़्यादा गिरता है। मिर्ची आप जितना खाते हो इतना डालो। लाल मिर्ची पाउडर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब नमक, सॉल्ट स्वाद अनुसार। दोस्तों, हम गवार की सब्जी बना रहे हैं। मैंने लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट डाला, आप देख सकते हो। अब उसको मिक्स करेंगे हिला के। हमने ये सब मसाले मिक्स किए। मसाले को थोड़ा तेल में पकने देंगे। यहाँ पे ये सब्जी जो है वो गवार की सब्जी थोड़ी बिटर टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट, इसलिए थोड़ा गुड़ डाल रही हूँ। और अब हम उसमें 1 गिलास पानी डाल के एक गिलास से थोड़ा कम पानी डाला मैंने, और अब 3-4 सीटी बजाएंगे और गवार की सादी सब्जी तैयार। तो यहाँ पे 5 स्टेप ऐसे हुआ। पहले हमने गवार को काट के रखा, फिर हमने 4-5 कली लहसुन को पीस के रखा 2nd स्टेप। 3rd स्टेप में हमने तेल रखा कुकर में, ये सब्जी का कुकर है, उसमें तेल में मैंने अजवाइन डाली, हींग डाली और हल्दी डाल के फिर मैंने गवार डाला, लहसुन डाला और फिर गवार डाला। तो फिर मैंने उसमें सब मसाले डाले, सूखे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, हल्दी हमने पहले से डाली थी, और फिर मैंने थोड़ा गुड़ डाल के लगभग 1 गिलास से थोड़ा कम पानी डाल के अब मैं इसको 3-4 सीटी बजा के बॉईल कर लूँगी। और जब बॉईल हो जाएगी सब्जी सीटी 3-4 बजने के बाद, फिर जब कुकर खोलेंगे तब हम थोड़ा पानी जला देंगे जिससे तेल छूटा पड़े और सब्जी अच्छी दिखे। धन्यवाद। दोस्तों, मैंने कुकर बंद कर दिया, सीटी लगा दी, अब 4-5 सीटी बजाएंगे। दोस्तों, हमने 4-5 सीटी बजा के गवार को पका लिया है। गवार की सब्जी में अब हम देख रहे हैं थोड़ा पानी है, तो पानी का भाग अगर रसा अच्छा लगता है तो रखो, नहीं तो उसको फिर से गैस जला के मैं पानी को जला दूंगी और जिससे तेल छूटेगा। तो ये गवार की 5 स्टेप सब्जी
एकदम सिंपल वाली सादी सब्जी। पहले हमने गवार को काट के तैयार रखा और लहसुन 4-5 कली पीस के रखा। सेकंड स्टेप में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें अजवाइन डाली, हींग डाली और बाद में हल्दी डाल के थर्ड स्टेप में हमने गवार डाला। फिर फोर्थ स्टेप में हमने सूखा मसाला, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, यहाँ पे हल्दी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी मैंने तेल में डाली। फिर नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा गुड़ डाल के हमने 1 ग्लास से थोड़ा कम पानी में 5 सीटी बजाई। गवार पक गया है लेकिन रसा ज़्यादा है इसलिए मैं रसे को जला दूंगी जिससे तेल छूट जाए। तो ये गवार की सादी सब्जी लहसुन वाली आपने यहाँ पे सीखी। अनाग्लो किचन पे आपको हरदम नई नई सब्जी की भी वैरायटी मिलेगी। बस आप अपना प्यार जताइए, हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों ये सब्जी में अगर आप चाहे तो जब ये रसा पानी का जो पार्ट है वो हम जला रहे तब 2 चम्मच दही भी डाल सकते हो, उससे भी स्वाद आएगा। और फिर धनिया से गार्निश करना, बहुत अच्छी गवार की सब्जी रोटी और सादी दाल के साथ खाने में बहुत मज़ा आती है। हमारे सौराष्ट्र में एक कविता थी, मारी गवार फड़ी उना उना डाल भात मा ले जत पड़ी। मीनिंग ये है कि गवार फली की सब्जी दाल चावल के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो आप भी बनाओ, परिवार को खिलाओ और मेरी भी गवार की ये सब्जी में काश मैं आप तक पहुंचा सकती। अनिला शाह फ्रॉम अन्नाग्लो किचन, थैंक यू, आभार, धन्यवाद। आप देख सकते कि गवार फली की सूखी सब्जी तैयार हो गई, आप भी उसका स्वाद लीजिए, मैं भी गरम गरम रोटी के साथ खाऊंगी। दोस्तों गवार की सब्जी, हल्दी, रायता, मिर्चा, गवार की सब्जी के साथ दही अच्छा लगता है इसलिए मैंने दही लिया है। मैं भी खाती हूँ, आप भी खाइए।